हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और पहला कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज है थर्सडे और आज सुबह जल्दी मैंने नहा लिया था और उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि आज कोई हमारे घर आने वाला है लंच पे। और कौन आने वाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले नहा लेते हैं और फिर बाकी के काम करेंगे। उसके बाद मेरे को नौमी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना था और उसे स्कूल के लिए रेडी भी करना था, तो पहले मैं डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद नौमी को रेडी करूँगी। और उसके बाद काम करते करते पता ही नहीं चला कि नौमी के स्कूल का टाइम हो गया है और मेरा आधा ही काम हुआ था। तो इस बीच मैंने नौमी को नहला दिया था और अभी उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज मैं ये जो MTR का मसाला रवा इडली होता है ना, उसका मैं उसके लिए चीला बना दूंगी, तो वो उसे अच्छे से खा लेता है। नौमी को ब्रेकफास्ट कराने के बाद उसकी वैन भी आ गई थी, तो मैं अभी उसे नीचे छोड़ के आ गई हूँ और अभी जितने बचे काम हैं मैं वो कर लूँगी। तो अभी सारी क्लीनिंग हो गई है और अब मैं लंच की भी तैयारी कर लूँगी और पहाड़ी लंच ही बनाऊँगी आज भी मैं, क्योंकि आज जो गेस्ट आ रहे हैं वो पहाड़ के ही हैं और पहाड़ियों को तो पहाड़ी खाना ही ज़्यादा स्वाद लगता है। और आप सभी समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या बना रही हूँ। जी हाँ, आज मैं फिर से भटके डुबके बना रही हूँ और साथ में बड़ी बना रही हूँ जो उड़द दाल की बनाई जाती है। बड़ी की रेसिपी फिर कभी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल अभी मैंने डुबके भी चढ़ा दिए हैं गैस पे और दूसरी साइड में अपना ब्रेकफास्ट भी बना लूंगी। तो अभी लंच भी बन के रेडी हो गया है, आप सब भी देख लीजिए। भटके डुबके, बड़ी, सैलेड, राइस, दिख रहा है ना एकदम यम्मी और टेस्टी सा। और रोटी सोचा था गरम गरम बनाऊंगी, पर उन्होंने बोला कि हम दोपहर में सिर्फ राइस ही खाते हैं, तो मैंने रोटी नहीं बनाई। इसके बाद थोड़ी देर में नौमी भी आ गया था स्कूल से, तो मैंने उसे भी लंच करा दिया था। और नौमी को लंच कराने के बाद हमारे गेस्ट भी आ गए थे और ये हैं हमारे प्यारे से गेस्ट, मेरी फ्रेंड कामिनी और उनके इन-लॉज। तो अंकल और आंटी कुछ दिन पहले ही आए हैं इंदौर और उनका घर भी वहीं है जहां मेरा ससुराल है और ये हमारे नेबर भी हैं। तो बस थोड़ी देर बैठने के बाद अंकल और आंटी ने भी लंच कर लिया था और कामिनी ने बोला कि अभी भूख नहीं है तो हम थोड़ी देर में खा लेंगे, तो हमने बाद में लंच कर लिया था। बता, अच्छा दादू को ना गोल्डन एग वाली स्टोरी सुना दो। चलो दादू को नहीं आती, सुना दो ना, सुना दे बेटा, सुना दे प्लीज। लहसुन का तेल बनाना है, तेल
तिलो तेल में पकड़ो, अच्छा पूरा गोल बाबू जो गाल में लग रहा है। वैसे तो सबसे भलू यो सरसों तेल है हूं ना, ना तो वातु ताया फुनी ना क्या तिलो तेलो तिलो तेल पहाड़ पहली बटी। अभी मैं यहाँ पे आंटी के साथ पहाड़ी लैंग्वेज में बात कर रही थी, मुझे ज़्यादा तो नहीं आती बट हाँ सामने वाले को समझ आ जाए इतनी आ जाती है। तो कोई ऐसी अपनी लैंग्वेज में बात करता है ना तो वो पहाड़ वाली ही वाइब्स आने लग जाती है। और आंटी तो इतनी ज़्यादा स्वीट हैं, उनसे बात करके ना बहुत अच्छा लगता है और कोई बोर भी नहीं हो सकता उनके साथ। जब हम लास्ट टाइम अपने घर गए थे ना तो आंटी तब भी आए थे हमारे घर पे, तो उनका हमारे साथ एक बहुत अच्छा वाला कनेक्शन है। और ऐसे अपने पहाड़ के लोगों के साथ बैठना ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब इतनी मेहनत भी कौन कर रहा अंकल पहले की जैसे। जब गेहूं नहीं होते तो सरसों खाएंगे। हाँ ये क्या कर रहे हैं? अच्छा बताया नहीं इसमें क्लास में कौन है सबसे होशियार? बता दे बेटू, वो भी तो दादू हैं, जैसे आपके दादू हैं ना वैसे ही तो हैं वो भी, सुहानी दीदी के दादू। आप तो नहीं दे रहे हो ना कुरकुरे? ले दूंगा तो क्या? हाँ तुम तो क्या, मेरे पास भी चार पैकेट है, वही तो बता रहे। मेरे पास और है, और मेरे पास और है, मेरे पास एक और पैकेट है और टॉफी चॉकलेट का भी पैकेट है मेरे पास। आज आपको सोना नहीं है? नहीं सो रहे, नींद नहीं आ रही? नहीं रखा है मेरे से, नहीं निकलता। इसके बाद थोड़ी देर में अंकल भी चले गए थे, उन्हें रेस्ट करना था। और आंटी बैठे थे हमारे साथ और नौमी हम सबको यहाँ पे डांस दिखा रहा है, आप लोग भी देख लीजिए नौमी का डांस। तो थोड़ी देर बैठने के बाद अभी आंटी और कामनी भी जा रहे हैं। और आज सच में बहुत अच्छा लगा, हमने ढेर सारी बातें की अपने पहाड़ की। तो थैंक यू सो मच अंकल आंटी, मेरे बुलाने पे आप आए और आपको मेरे हाथ का बना हुआ पहाड़ी खाना अच्छा लगा। और आप नेक्स्ट टाइम इंदौर जब भी आएँ हमारे घर ज़रूर आइएगा। हेलो एवरीवन, सुबह से मैं आप लोगों से मिल नहीं पाई क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि आज मैंने अपनी फ्रेंड और उसकी इन लॉज को बुलाया था लंच पे, तो सुबह से बस उसी की तैयारी कर रही थी और घर के भी बाकी और भी काम थे तो मैं आपसे इस वजह से मिल नहीं पाई। तो अभी मैं आपको सीधा शाम को मिल रही हूँ, अभी शाम के 4:30 बजे हैं। तो बस अभी वो लोग लंच करके गए हैं, मैंने तो आंटी को बोला भी कि आप लोग चाय पी के ही जाइए, चाय पीने का भी टाइम हो गया है, पर वो बोल रहे थे कि नहीं अभी घर जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर आधी हम लोग 6 बजे के आसपास हम लोग चाय पीते हैं। तो आंटी लोग भी हमारे पहाड़ के ही हैं, हमारे उत्तराखंड के ही हैं और जहाँ मेरा ससुराल है ना वो लोग भी वहीं के हैं, मतलब हमारे नेबर ही हैं वो लोग। तो ऐसे कोई अपना पहाड़ का मिले ना तो बहुत अच्छा लगता है और एक अलग सी खुशी होती है कि मतलब पहाड़ के हैं करके।
तो वो लोग आए और बहुत अच्छा लगा, और उन लोगों को पूरा खाना भी अच्छा लगा था, जैसा भी हो रहा था सीधा साधा, पर खाना बोल रहे थे कि वो लोग बहुत टेस्टी हो रहा था। तो बस ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैंने क्या क्या बनाया था, तो अच्छा लगा खाना। तो बस अभी थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करूँगी, और उसके बाद हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मैं अभी थोड़ी देर में पहुँचूँगा तो वो आ जाएंगे, तो तब मैं चाय बनाऊँगी, और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो नौमी तो दोपहर में सोया नहीं, खेल रहा था वो, और थोड़ी देर में मेरे पास आया और सो गया। तो आधा घंटा करीब वो सोया, और फिर शाम को मैं उसे नीचे घुमाने के लिए लेके गई। और अभी रात के 8 बज गए हैं और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं शाम को पालक लेके आई थी और पनीर लेके आई थी, तो सोचा आज पालक पनीर ही बना लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से पालक वॉश किया और जल्दी से सब्ज़ी बना ली थी। उसके बाद नौमी को भी डिनर करके उसे भी सुला दिया था, और हमने उसके बाद डिनर किया। और आज थक गई थी थोड़ा, तो मैं भी जल्दी सो गई थी। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये व्लॉग? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक और इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।